आज के वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 732G को स्नैपड्रैगन 720G से। यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले ही लिस्ट बना रहा था बेस्ट फोन अंडर 20,000 वाली वीडियो के लिए, एंड वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि स्नैपड्रैगन 732G एंड स्नैपड्रैगन 720G काफी ज्यादा वहाँ पर यूज किए गए हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में से तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G थोड़ा सा लेटेस्ट चिपसेट निकल के आता है। ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है 1 सितंबर 2020 में। एप्लीकेशन में यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, रैम में यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट में भी दोनों इक्वल है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ISP की, तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 732G, बट दोनों में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, बट स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 732G। तो यहाँ पर जो हायर सेंसर है आपको मिल सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पर दोनों अगेन इक्वल है, दोनों में हमें 4K USD तक की वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 30 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर दोनों अगेन इक्वल है। मॉडेम में यहाँ पर दोनों ही 4G मॉडेम सपोर्ट करते हैं, एंड यहाँ पर इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है, तो इट इज गुड इनफ। तो यहाँ पर दोनों में ही हमें एक्जैक्टली सेम डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड मिलती है, जो कि लगभग दोनों को इक्वल ही बनाती है। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक स्मॉल अनाउंसमेंट, अगर हमारा जो चैनल है वो 5000 सब्सक्राइबर वाला मार्क रीच कर जाता है, तो मैं 2 ड्यूल ड्राइवर MI का जो हेडफोन है वो गिव अवे करने वाला हूँ। यहाँ पर ये रैंडमली पिक होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको क्यों चाहिए ये पर्टिकुलर हेडफोन। यहाँ पर ड्यूल ड्राइवर होने की वजह से काफी ज्यादा भारी बेस आता है यहाँ पे, काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर आपको म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो जल्द से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हो सकता है कि आपको ही वो हेडफोन मिल जाए। एंड हाँ, और एक बात कि कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सब्सक्राइब करके अगर आप जाओगे तो मुझे पता ही चलेगा कि आप सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। आप कमेंट करिए तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आप एक्टिव हो पाएंगे इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए, इस पर्टिकुलर गिव अवे के लिए। CPU की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर दोनों का CPU एग्जैक्टली एक्यूरेटली इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर दोनों में हमें एग्जैक्टली सेम CPU मिलता है, दोनों में हमें ऑक्टाकोर CPU मिलता है, दोनों में ही जो हाई परफॉर्मेंस वाले कोर्स है वो भी सेम है, एंड जो एफिशिएंसी वाले जो कोर्स है वो भी यहाँ पर सेम है। दोनों ही क्लस्टर सेम्स है, एंड दोनों ही यहाँ पर कोर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो यहाँ पर CPU दोनों में ही हमें इक्वल मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, दोनों में हमें सेम GPU तो मिलता है, बट यहाँ पर स्लाइटली क्लॉक स्पीड ज्यादा है स्नैपड्रैगन 732G का, बट ऑल्दो इतना बड़ा परफॉर्मेंस गैप नहीं मिलता रियल लाइफ परफॉर्मेंस में। दोनों का जो परफॉर्मेंस है एकदम ही हैंड टू हैंड लाइक लगता है, इतना कोई परफॉर्मेंस गैप देखने को नहीं मिलता। अगर मैं GPU स्कोर की भी बात करता हूँ, तो N22 में यहाँ पर दोनों का लगभग 290,000 के आसपास का स्कोर रहता है, एंड यहाँ पर N22 को अगर मैं एब्रीवेट करूँ, अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ, तो यहाँ पर CPU स्कोर दोनों का ही 1,00,000 रहता है, एंड GPU स्कोर स्लाइटली 5,000-4,000 से ज्यादा रहता है स्नैपड्रैगन 732G का। बाकी मामलों में दोनों ही इक्वल है। यहाँ पर रैम में भी कभी कभी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है स्नैपड्रैगन 732G, ऑल्दो यहाँ पर दोनों ही इक्वल है। अगर यहाँ पर दोनों के दोनों चिपसेट के बीच में 2,000-3,000 का गैप है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्नैपड्रैगन 720G ले लीजिए। अगर बाकी सारी चीजें सेम है तो फिर आपको स्नैपड्रैगन 720G लेना चाहिए, बट अगर आपको 2,000-3,000 देकर बेटर कैमरा मिल रहा है, बेटर बैटरी मिल रही है, बेटर रेजोल्यूशन मिल रहा है स्क्रीन का, तो हो सकता है कि आपको स्नैपड्रैगन 732G लेना पड़ जाए। बट ऑल्दो यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस के मामले से दोनों ही इक्वल है। इतना मुझे बताना था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ये मेरे 5 मिनट्स कंपैरिजन सीरीज का ही एक वीडियो था। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन से।